कहते हैं वहाँ करवा देंगे, चल रही है काम, चल रहा है, वो कहते हैं, आश्वासन देते हैं। शायद तक कौन है और बार करवाऊँ का ही कौन है। अभी तो 3 दिन हम बिल्कुल ही घर से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि रास्ता ही नहीं था निकलने के लिए। पानी आने इतना भर जाता है, जो बच्चों को निकलना भारी हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। के घर में जाते हैं तो कोई को बोले कि वोट ही नहीं देते, तो हम क्या कर नाला से करवावे। यहाँ पे ना तो नालियाँ है ना तो सड़क है, हम बोल बोल के इनको इतना परेशान हो गए हैं कि ना यहाँ पे लाइट की सुविधा है, लाइट लगाई है तो लाइट जलने का नाम नहीं लेती है। हाँ तो आगे पास का काम नहीं करा रहे, देख सड़क नहीं है, नाली नहीं है, बहुत परेशानी तो यही है ना। और पार्षद साहब को फोन करते हैं तो पार्षद साहब कहते हैं हमारा कार्य थोड़ी है। फोन करा घर पे गया तो मना कर दियो पार्षद, तो कहे मारी जिम्मेदारी कौन है। वार्ड नंबर 1 है। पार्षद कौन है आपके? मित्तल साहब। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या तो ये है साहब, पहले तो ये जो बरसात आई ना अभी, तो ये पुलिया है ना, पुलिया का वो नाला अधूरा पड़ा है, तो वो नाला बन जाए तो क्या ये और ऊपर होकर गांव में सीधा पानी गांव में घुस जाता घरों के अंदर, क्योंकि घर घर कच्चे। ये देखो ये मकान गिर गया, ये सामने दिख रहे हैं, अंदर घुस गया पुलिया से गिरे क्या मकान? हाँ इससे, क्योंकि वो और ऊपर हो जाती है उधर, और ऊपर होने के चक्कर में रोड ही रोड पानी सीधा गांव में आ जाता है। सबसे बड़ी तो यह है समस्या, जो पानी आता है कितने मकानों में घुस जाता है, सारे गांव में घुस गया है तो पानी। कितने नुकसान होता है ये काफी सालों बाद में, हमने तो देखा ही नहीं गांव में पानी आते हुए, लेकिन ये पुलिया बनने के बाद में जो आगे नाला बंद कर दिया। पार्षद ने आज तक आपको कोई सुनवाई करी क्या? कहते हैं वहाँ करवा देंगे, चल रही है काम, चल रहा है, वो कहते हैं आश्वासन देते हैं। आज तक कोई आप पार्षद के पास गए भी थे? जाते भी है, करवाया था पहले, करवाया था ये रोड, डामर रोड भी बना था, आना था नहीं करते आने जाने। हाँ आपका नाम? प्रेम सिंह। सर परेशानी तो ये है कि यहाँ पर जो रोड बना हुआ है इसके आगे का है ना रोड टूटा हुआ है, और ये जो है ना ये भी रोड टूटा हुआ पूरा, और मेन जो है ना पुलिया आती है इसका पानी है ना ओवर फ्लो होके इधर आ जाता है। आपके इस वार्ड के अंदर एक नाली है, उसमें नाली में भी इतनी गंदगी हो रही है कि पार्षद ने कोई सुनवाई करी है क्या? नहीं। क्या आप पार्षद के पास गए थे? जी नहीं, लेकिन पार्षद यहाँ पर आते हैं, वो बताते हैं कि हम कर देंगे, उसके बाद है ना कोई भी बात नहीं हुई है इसी, अभी तक कुछ नहीं करा है। जी नहीं, बस आपको आश्वासन देते हैं हाँ या ना का। जी आपका नाम? यशवंत। डूब जा भर जा। अच्छा और बारिश करवाऊ का ही कौन? पार्षद आवे की था के पास? कोई आवे नहीं मकान तो। पार्षद को नहीं आवे? कहीं गए पार्षद? मैंने कहीं कहे मैं तो आई देखियो कौन पार्षद को नहीं देखियो? कई नाम है था को? नाम कही था को? नाम तो जीवनी है। सुनवाई किसी ने नहीं करी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? अभी तो 3 दिन हम बिल्कुल ही घर से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि रास्ता ही नहीं था निकलने के लिए। ये तो अभी थोड़ा पानी कम हुआ है, पत्थर वत्थर रख के जब निकले हम यहाँ से। तो ये शिकायत करी आपने? शिकायत तो कितनी बार कर दी, अभी बीच में भी साइन वाइन करा के ले गए थे, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। मैडम आपके छोटे छोटे बच्चे? हाँ बच्चे हैं ना। और इतने मच्छर वच्छर हो रहे हैं? मच्छर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं मच्छर। नहीं हो रही आपको? ये नाली की वजह से हमारे यहाँ तक घर तक पानी आता है, कचरा फेंका आता है, शाम से लेते भी आते हैं नाले से, बहुत ज्यादा परेशानी है हमें। कभी पार्षद को बोला आपने? हमने पार्षद को कितनी बार बोल दिया। क्या कहा? और पार्षद ने बोला बन जाएगा और लिख के भी दिया हमने। क्या फिर भी पार्षद क्या कहता आपको? पार्षद ये कहता है बन जाएगा नारा। कितने टाइम से परेशानी को सामना ये तो हमें तो काफ़ी समय हो गया। और नाला भी कितनी गंदगी हो रही है, बच्चे बीमार भी होते हैं? बीमार भी होते हैं ना बच्चे, अब बच्चे तो रोड पर खेलते ही हैं, सामने मकान है रोड है, बच्चे तो रोड पे खेलेंगे ना। ये नाला नहीं बनता है तो आप पार्षद के पास गए, क्या कहा पार्षद ने आपको? पार्षद को तो ये कहते हैं पार्षद साहब तो बोलेगा आप बन जाएगा बन जाएगा। कौन है आपका पार्षद, कौन सा वार्ड कहलाता है और कहाँ पर? ये 2 नंबर वार्ड है हमारा, एक नंबर वार्ड है और वो जैन मित्तल है पार्षद। कौन सी जगह ये? आजाद नगर कोटला। बहुत परेशानी होती है, पानी आने इतना भर जाता है, जो बच्चों को निकलना भारी हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। हम जाते हैं कि अब नहीं, अब की करवा देंगे, अब नहीं थोड़े दिन बाद में करवा देंगे। घर जाते हो? हाँ जाते हैं, उनके घर में जाते हैं तो कोई को बोले कि वोट ही नहीं देते, तो हम क्या कर नाला से करवावे। आपका भी वो मित्तल जैन ही होगा पार्षद, और तो कौन है? मैं आपको हम कहता वो कि भाई अब बनवा देंगे नाला, बनवा देंगे, बनवा देंगे, बनवाते बनवाते आश्वासन देता है। हाँ बस वही देता है। 20 साल हो गए जो कोई नाले की कोई संभावना ही निकल, पानी आता है इधर आ जाता है घरों की तरफ, पानी भर जाता है, भर जा जाता है घरों के अंदर पानी। कहलाती है ये लोहार कॉलोनी है, 1 नंबर वार्ड है। आपका नाम?
तुलसी। यहाँ पे ना तो नालियाँ है ना तो सड़क है, हम बोल बोल के इनको इतना परेशान हो गए हैं कि ना यहाँ पे लाइट की सुविधा है, लाइट लगाई है तो लाइट जलने का नाम नहीं लेती है। बाकी दूसरी जगह हर जगह लाइट्स हैं, रोड्स हैं, वहाँ पे सरकार सब जगह काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे चार घर भी हैं तो उनको एटलीस्ट काम करना चाहिए। हम इसीलिए नहीं रह रहे हैं यहाँ पे कि एरिया में इतनी गंदगी हो रही है, यहाँ पे कोई साफ करने वाला नहीं है। हमने खैर उनको कह भी रखा है कि अगर नगर निगम ने ये लगा रखा है, रूल कर रखा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ आनी चाहिए, वो भी गाड़ियाँ नहीं आती। सिर्फ एक दिन आई थी, जब जब स्टार्टिंग का रूल हुआ था तब गाड़ियाँ यहाँ पे आई थी, उसके बाद नहीं आती यहाँ पे। पार्षद को कहा था आपने? हमने बहुत बार बोल रखा है, उन्होंने बोला कि हमने पहले यहाँ पे फ्लोरेंस की साइड में पहले ही कर दिया था, फिर आपको पहले कहना चाहिए था, उसके बाद हमने बोला है, तब से आज तक ये आए ही नहीं है। महेंद्र जैन मित्तल, उनको कभी शिकायत करी आपने? बहुत बार बोला है, वो आए भी हैं, प्लॉट्स देखे भी हैं उन्होंने काफ़ी बार, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं करा है कि हम उनको वोट दें। कौन सी जगह है ये, क्या कहलाता है? ये ज्ञान विहार में भी आता है और ये कोटरा साइड भी आता है, तो कोटरा साइड। मेरा नाम मोनिका लालवानी है और मैं कोटरा से हूँ। नाले की प्रॉब्लम हो रही है, सड़क की हो रही है, नाले की प्रॉब्लम हो रही है, एक सड़क नहीं है, पानी भर रहा है सामने। पार्षद के पास जाते हो? पार्षद के पास मैं तो गया नहीं, लेकिन यहाँ पे प्लॉट है, आके भी जाता पार्षद जी, लेकिन बनाया नहीं रोड। कोई सुनाई नहीं करता पार्षद? सुनाई नहीं करते। क्या नाम है आपके पार्षद का? मित्तल जैन। वार्ड नंबर? एक। आपका नाम? नारायण। देखो बहुत कादा एरिया, रोड पर टूट रही है, पानी भी रहा, बच्चा बच्ची तो बच्चा बच्चे जावे, बहुत परेशानी एरिया वाला। मच्छर भी हो रहे हैं? हाँ, बीमारी हो रही है, बहुत पानी, नींद नहीं आ रही आदमी, बच्चा बच्चे आना जाओ कादा में। आज 10-15 दिन जाए बिल्ली। पार्षद के पास गए थे? नहीं गई, नहीं किया। पार्षद आया था? नहीं, कौन आया? पार्षद आता है? आए होगी? हाँ, तो आवे तो पार्षद का काम ही नहीं करा रहे। देखो तो देख रहे हो ना, कौन सी गल, कहाँ पे रहे, कौन सा इलाके के रहता है ये? कौन सा इलाका? कोठड़ा ही है, तो सरपंच का कोठड़ा। वार्ड नंबर कौन सा आपका? एक। आपका नाम? कर्म। सड़क नहीं है, नाली नहीं है, बहुत परेशानी तो यही है ना। पार्षद आता है या नहीं आता है? आवे पार्षद तो 2-3 बार ही बोल दिया पार्षद को, बनावे भी तो नहीं ना सड़क। क्या कहता है? कह रिया बना रिया बनावे जो दो। अरे पानी भरा हुआ है सड़कों, पानी भरिया है, पूरा प्लॉट सारा भरिया है, दिक्कत तो यही है, बच्चा ही बीमार है, सब बीमार है, मच्छर हो रही है, गंदगी हो रही है। सफाई वाले आते नहीं? आते नहीं, आवे कोई नहीं आवे। तो कौन सी जगह है? नहीं, कोटड़ा। वार्ड नंबर कौन सा? एक। पार्षद कौन है आपका? महेंद्र सिंह जैन। आपका नाम? नाम नौसर है। नालो बनाना, हार पड़ रही है, देखो थंबो पड़ रही है, एयर डोली पड़ रही है, बड़ी नार देखो डोली ना, बता जाओ। हाँ, एयर बच्चा बच्ची गिर जावे रात का अंदर आम पार्सल तो बनाए हो ना बाप नोडे। हाँ, वो आए बोर्ड आए तो अभी 12 बजे आइए, हम पड़ा तो होटल एयर लेर भागो भी। पार्सल नाम का ये? पार्सल नाम महेंद्र से ये वाला महेंद्र है। हाँ, महेंद्र है शायद। कौन सा वार्ड है वाला? वार्ड आड़ा तो मुझे याद, एक वार्ड है शायद। नाम बता दो। भमरी। पिछले 4.5 साल पहले ये यहाँ पर नाला है 8 फुट गहरा, जिसका टेंडर पास हो गया था नगर निगम द्वारा। तो यहाँ पर आए दिन हर बारिश में आए दिन दिक्कत आ रही है, बच्चे गिरने की, मतलब कि काफ़ी अभी बच्चे ना खेल पा रहे हैं। रोड के नाम पर जैसे टायर पंचर हो जाता है जब उसके कारी लगाते हैं, वैसे तो यहाँ पर रोड का विकास हो रखा है, ना ही लाइटों का कुछ है। रात को अंधेरा हो जाता है, ना खंभे पर लाइट जल रही है। सबसे मेन दिक्कत आ रही है यहाँ पर 8 फुट गहरा नाला, कम से कम यहाँ शाम को करीब 25-30 बच्चे खेलते हैं, आए दिन कभी ना कभी कोई हादसा हो जाता है। अभी कुछ ही समय पहले हमारी मकान मालिका है जो गिर गई नाले के अंदर। तो मैं और पार्षद साहब को फ़ोन करते हैं तो पार्षद साहब कहते हैं ये हमारा कार्य थोड़ी है, कि आप ये हमारा कार्य नहीं है। तो अब किससे हम के, अगर जनसेवक आपको चुना गया, पार्षद साहब को जनसेवक से चुना गया, तो जनसेवक हम जनसेवक से अपील कर सकते हैं ना। आप पार्षद साहब के पास गए थे या खाली फ़ोन पे बात करी? फ़ोन पर वार्तालाप हुई थी पार्षद साहब से, ये बारिश आई उससे पिछली बारिश को मैंने कॉल करा था पार्षद साहब को, और पार्षद साहब से निवेदन करा था साहब पार्षद साहब कि यहाँ पर नाले में हद से ज़्यादा पानी आ गया है और दीवार गिर गई है, जो आप पीछे देख सकते हो दीवार ढह गई और बिजली का खंभा है जो 1100 वोल्ट का तार जा रहा है यहाँ से। आपने कहा था यहाँ एक नाला, बच्चे 26 बच्चे खेलते हैं, बिल्कुल कभी जनहानि हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदार पूरा प्रशासन ही होगा, अपने यहाँ के हमारे जो नगरीय अपने पार्षद साहब है उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि उनका कार्य हमारा कार्य थोड़ी है। एक सड़क भी नहीं बनी हुई है, सड़क पे आए थे सड़क नाम तो यहाँ सड़क के नाम पर खाली वो ट्यूब पंचर हो जाता, टायर जैसे पंचर हो जाता है, वहाँ पर कारी लगा देते, उस नाम से सड़क का विकास हो रहा है आपके सामने। पार्षद साहब आपको आश्वासन दे रहे खाली या कुछ? आश्वासन के नाम पर तो खाली स्टिकर लगा दिया,
ना ही आश्वासन दिया। उन्होंने कहा ये हमारा कार्य नहीं है, पार्षद साहब से आप बाइट लेके जा सकते हो। मेरे पास प्रूफ पड़ा, पार्षद साहब को मैंने कॉल करा, उसकी मेरे पर रिकॉर्डिंग है। पार्षद साहब को मैंने कहा साहब नाला भर गया, घर में पानी आ रहा, तो क्या हमारे भी घर में पानी आ गया, मैं क्या करूँ। मैंने कहा चलो घर की बात नहीं, कम से कम आप रोड पर आओ, रोड पर नाला ऐसे हद से ज़्यादा मतलब कि पानी आ रहा है। आज अब बारिश ख़त्म होते मच्छर आने लग गए, बीमारी फैल सकती है, छोटे छोटे बच्चे घर में हमारे भी हैं। तो भैया इससे ये बीमारी का इसके का ना सफाई कर्मी का कुछ पता था? बारिश को बंद हुए 4 दिन हो गए, क्या पार्षद ने आके आपकी सुनवाई करी? बिल्कुल, एक बार भी कोई सुनवाई नहीं करी सर। आशीष सोनी, एक तो बारिश में सबसे पहले रोड हमारी, एक ये नाला जो हमारे को सभी को जब पानी आता है हमारे यहाँ तो ये उफान लेता है। इस मकान की तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, हम आने जाने वाले इस रोड की कॉलोनी वाले आने जाने वाले इस रोड में हमारे यहाँ गिरने का डर रहता है। बच्चे हमारे यहाँ खेलते हैं, कब क्या क्या इसमें गिर जाए, कौन गिर जाए, हमें कोई पता नहीं। मैडम पार्षद ने कभी सूत लिए? नहीं, पार्षद तो हमारी इस कॉलोनी में आते ही नहीं है, ना तो हमारे कोई पानी की व्यवस्था थी यहाँ पे, अब जाके हुई है। लेकिन हमारे ना तो रोड लाइट है, ना लाइटों की, ना सर रोड की, ना हमारे नालों की। हमारे पार्षद तो केवल शक्ल दिखाने उस टाइम आए थे हाथ जोड़ने, जब हम उनको वोट लेने थे, उसके बाद वो यहाँ नहीं आते कभी। बिल्कुल भी पार्षद से बात करी है या कभी घर गया? हाँ बहुत करी है, बहुत कहा है हमने पार्षद से, बहुत बुलाया, बहुत कहा है, लेकिन हमेशा कहते हैं हाँ आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। आश्वासन ही देते हैं आपको? बिल्कुल आश्वासन ही चल रहा है उनका। कौन सा वार्ड है? वार्ड 1। मेरा नाम नीतू सक्सेना। परेशानी नालों ही है और का परेशानी है, नालों जा मग लाइट लाग जाए और आप पुलिया मर जावे, आप पुलिया दो पुलिया मर जेठ की भाष के टाइम से परेशानी उठा रहे हो आप? मैंने क्या 10 साल होगी नालों निकली ना, बट कोई नाले ही नहीं यार। पार्षद आता है कभी? नहीं आया पार्षद। पार्षद को फोन करा कभी? फोन करा, घर पे गया काई क्यों? तो मना कर दियो पार्षद तो काई क्यों? मारी जिम्मेदारी कौन है साहब? यान बोलियो, किसकी जिम्मेदारी है पार्षद की जिम्मेदारी? तो किसकी जिम्मेदारी है? आम जनता की? जनता की यार, खुद करोगे और यान क्या, कॉलोनी वाला तो क्या खुद करोगे पार्षद के तैसे? हाँ कौन सी कॉलोनी है? बालाजी बिहार है ना, वार्ड नंबर कौन सा? बीके कॉल बालाजी बिहार, वार्ड नंबर कौन सा? 1। काई नाम था को? मेरा नाम लक्ष्मी है।